चैती दुर्गा को लेकर देर शाम खराजपुर गांव से निकला महिला पुरुष के द्वारा बेल नियति के लिए शोभा यात्रा। दरभंगा के बेलवागंज महादेव मंदिर पर चैती छठ के संध्या अर्घ के लिए तैयारी पूरी नगर निगम के द्वारा। दरभंगा में रामनवमी को लेकर पुलिस का निकला फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से दरभंगा टावर तक। दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में जनता दरबार में करीब 45 लोगों ने लगाई अपनी अपनी समस्याओं को लेकर गुहार। लहरियासराय थाना में रामनवमी व रमजान पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। दरभंगा के सैदनगर काली मंदिर के तालाब में चैती छठ को लेकर श्रद्धालु महिला की बढ़ी भीड़। दरभंगा के खराजपुर में बसंती दुर्गा पूजा समिति द्वारा भागवत कथा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पटना में भाजपा के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी को किया सम्मानित। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित विषय पर सभी वार्ड पार्षदों के साथ कार्यशाला का किया गया आयोजन। केवटी प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की बैठक को कोरम के अभाव से किया गया स्थगित। दरभंगा नगर निगम प्रशासन ने शहर के सैरातों की बंदोबस्ती। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशीली दवा के साथ दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, प्राथमिकी दर्ज कर भेजा जेल। दरभंगा में अब चैती दुर्गा पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ लगातार मनाया जा रहा है। इसके साथ खराजपुर गांव में विगत 5 वर्षों से चैती दुर्गा पूजा किया जा रहा है। इस मौके पर खष्टी के दिन मां दुर्गा की आंख के लिए बेल के पेड़ का पूजा किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष खराजपुर से निकलकर एक बागीचे में बेल के पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन पेड़ की पूजा किया जाता है, फिर सुबह आकर यहीं पर पूजा अर्चना करते हुए यहां से बेल से काटने को लेकर माता का नेत्र किया जाता है। कल हम पूजन होगी उसके लिए आज आंख देने को जैसे बिलवा भी निमंत्रण किया जाता है। बिलवा भी निमंत्रण होता है खष्ठी के शाम संध्या कालीन, उसमें बिल वृक्ष की गाछ की पूजा होती है। उसमें जुगपत बेल जो होता है जोरा, उस बेल को आमंत्रित किया जाता है। जो प्रातःकाल उसको फिर पूजन करके उसको ले जा करके भगवती के स्थान में उसका फिर पूजा होती है। दरभंगा में चैती छठ को छोटा छठ भी कहा जाता है। दरभंगा के कई तालाबों में चैती छठ के संध्या अर्घ के लिए आज काफी संख्या में छठ व्रतियों की तैयारी के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा कई तालाबों को चूना छिड़काव एवं सफाई किया गया। वहीं दरभंगा के वार्ड नंबर 42 के बेलवागंज महादेव मंदिर के पास करीब 50 से ज्यादा छठ व्रती यहाँ हर वर्ष चैती छठ के लिए आते हैं। इसकी तैयारी एवं साफ सुथरा की जिम्मेवारी नगर निगम की होती है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा भी यहां साफ सफाई कर पूजा के लिए रखा गया है। शाम 5 बजे के बाद यहां अर्घ के लिए महिलाएं पहुंचेंगी। महापर्व छठ के लिए घाटों की सफाई की गई है। सचकिया रखा फल भरतिया रखा यहां पे जिस तरह छठ होता है बड़ा छठ उसी तरह यहां छठ होता है। 50 आदमी से रहता डाला चैती छठ उसी तरह से पूजा होता है। जिस तरह बड़ा पर्व का होता है उसी तरह छोटा पर्व का भी होता है।
दरभंगा में रामनवमी को शांतिपूर्वक मनाने के उद्देश्य से दरभंगा एसएसपी और डीएम के निर्देश के बाद दरभंगा में फ्लैग मार्च पुलिस का जारी है। दरभंगा के डीएसपी और एसडीओ के नेतृत्व में करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का काफिला पुलिस लाइन से लहरिया सराय टावर लोहिया चौक होते हुए दरभंगा नाका नंबर 5 होते हुए टावर पहुंचा। वहीं फ्लैग मार्च के जरिए दरभंगा पुलिस ने उपद्रवियों को संदेश दिया कि किसी भी कीमत पर रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार के सोमवार के जनता दरबार में करीब 45 से अलग अलग थाना क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के लिए गुहार लगाई, जिसमें सबसे अधिक जमीनी विवाद को लेकर मामले थे। वहीं एसएसपी ने फरियादियों को बताया कि जमीनी विवाद से जुड़े अधिकतर मामले शनिवार को सीओ और थाना प्रभारी के द्वारा निपटारा किया जाता है, इसलिए आप थाना से ही संपर्क करें। इसके अलावा पारिवारिक विवाद से भी जुड़े हुए मामले को थाना एवं महिला हेल्पलाइन के द्वारा कार्य करने को कहा। उन्हें यह भी बताया कि कई थाना के द्वारा उनकी समस्या का समय पर निदान नहीं हो रहा है, इसलिए एसएसपी के पास गुहार लगाने आए हुए हैं। रामनवमी व रमजान पर्व को लेकर लहरिया सराय थाने पर शांति समिति की बैठक हुई। इसमें रामनवमी पर निकालने वाली झांकी में किसी समुदाय को ठेस न पहुंचाने का निर्णय लिया गया। वहीं तेज आवाज में डीजे न बजाने, हुड़दंग न करने सहित कई बिंदुओं पर शांति समिति के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि शराबियों और शराब तस्करों पर पैनी नजर रखी जा रही है। यदि पर्व के दौरान कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के सैद नगर जिला स्कूल सहित बेलवागंज छठ पूजा को लेकर के आज बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं को देखा गया। तालाब के किनारे सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ उठाकर चैती छठ मैया की पूजा अर्चना करते दिखे। गौरतलब है कि प्रमुख भक्तों के साथ साथ अब चैती छठ करने की भी परंपरा और श्रद्धा लगातार बढ़ती जा रही है। इससे लेकर दरभंगा के कई तालाबों की पूर्व में ही साफ सफाई कर दी गई थी। आज शाम 5 बजे अर्घ था और सुबह 6 बजे सुबह के साथ 4 दिवसीय चैती छठ समाप्त होगा। यह चैती छठ भी मुख्य छठ के समान होता है और इसे पूरी श्रद्धा के साथ पूजा किया जाता है। दरभंगा के खराजपुर गांव में विगत 5 वर्षों से बसंती चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर विगत 6 दिनों से भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें आसपास गांव के हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु भाग लेकर भागवत कथा पंडित श्रवण दास जी महाराज के द्वारा कथा श्रवण कर रहे है और इस कथा का कार्यक्रम नवमी पूजा तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली से पटना आगमन पर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पहुंचकर सम्मानित किए। इसके बाद सभी भाजपा नेता और अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां बिहार के सांसद विधायक सहित सभी जिले के नेता ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 का मिशन लेकर सभी कार्य करें। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित विषय पर सभी वार्ड पार्षदों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर विस्तृत प्रकाश डाला गया एवं उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाया जाए।
घेवटी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में आयोजित पंचायत समिति की बैठक कोरम के अभाव से स्थगित हो गया। वहीं प्रमुख सोनी देवी ने कहा कि कोरम के अभाव के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में बीपीआरओ जेपी मंडल, उप प्रमुख धर्मशीला देवी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निर्मल कुमार लाल उपस्थित थे। 11:30 बजे से बैठक रखी गई थी, 12:30 बजे तक एक घंटा तक जो है तो कोरम का अभाव रहा, जिसके चलते बैठक स्थगित हो गई। जल्द ही हमारे माननीय प्रमुख जी जो हैं तो बैठक का एक डेट निर्धारित करेंगे, जिसकी सूचना हम सबों को भेजें, नियमानुसार फिर बैठक का काम करेंगे। दरभंगा नगर निगम प्रशासन ने शहर के सैरातों की बंदोबस्ती कर दी है। लहरिया सराय स्थित निजी बस एवं ऑटो स्टैंड का ठेका भानु प्रताप सिंह को एक वर्ष के लिए 20,11,000 रुपये में दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पास सड़क के पूरब टेम्पो स्टैंड संख्या 2 व कर्पूरी चौक से दक्षिण सड़क से पश्चिम दरभंगा मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के पूरब मुस्लिम स्कूल गेट तक के उत्तर चारपहिया पराब का ठेका अनिल कुमार को 12,11,000 रुपये में दिया। डॉक्टर राजेंद्र मार्केट बट्टी भाग हर्ष कुमार झा को 1,61,000 रुपये में, महाराजगंज व सराय सत्तार खान कब्रिस्तान में आम व फल मोहम्मद तनवीर आलम को 3,400 रुपये में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिए बंदोबस्ती की गई है। इसके अलावा हसन चौक पार्किंग स्थल की बंदोबस्ती 14,00,000 रुपये में मनोज कुमार मंडल को दी गई है। वहीं वार्ड नंबर 25 के काजीपुरा पशु बदगिरी की बंदोबस्ती जहांगीर आलम को 35,500 रुपये में की गई है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की देर रात्रि 2 अभियुक्तों को श्यामा मंदिर गेट के पास से गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से एक चार चक्का वाहन भी पकड़ा गया, जिसका नंबर BR07AT4261 है। साथ ही इसके पास से नशीली दवा भी बरामद की गई है, जो कुल 18 की संख्या में गोटी बताई जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनका नाम अमन कुमार झा, पिता शिवनंदन झा, मधुबनी जिला के अंतर्गत धगजरी गांव का रहने वाला है। तो वहीं दूसरा व्यक्ति का नाम सुमन सौरभ है, जिसके पिता का नाम दिनेश पासवान है और यह दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमरौली गांव का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अमन कुमार झा पहले से हत्या, बैंक डकैती, आर्म्स एक्ट, लड़की भगाने के मामले में आरोपित रहा है। इसके साथ ही सुमन सौरभ भी एक कई मामलों में भी आरोपित रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सोमवार को कागजी कार्रवाई कर दोनों अभियुक्तों को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने जेल भेज दिया।